तो चलिए आउटलुक के एक और फीचर बताता हूँ। आजकल आप लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं राइट, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको माने कि रिपोर्ट 12 बजे आप जनरली भेजते हो और आपको 12 बजे किसी काम से जाना है, घर ही है तो घर पे तो हर कोई आपको कोई ना कोई काम बताता ही रहेगा। अब किसी ने आपको बैंक का काम बता दिया, अब बॉस को पता चलेगा कि 12 बजे वो काम नहीं कर रहा है, बैंक में है, तो थोड़ा सा अलग इंपैक्ट पड़ेगा ना। लेकिन आप रिपोर्ट हर दिन 12 बजे भेजते हैं और आपने 10 बजे भेज दिया, तो अगले दिन भी 10 बजे एक्सपेक्ट करेंगे, समझ गया ना। जो एक दिन आप ऑफिस जल्दी चले जाते हो, अगले दिन लेट आते हो, तो बॉस बोलते हैं ना कि भाई कल तो इस टाइम पे आया था, आज लेट क्यों आया। तो मुझे रिपोर्ट 12 बजे ही भेजनी है, लेकिन मैं 12 बजे पीसी पे बैठना नहीं चाहता हूं। मैं रिपोर्ट बना दिया 10 बजे, 10 बजे बना के मैं डाल दिया, सिस्टम ओपन करके मैं चल गया। जैसे ही मेरे सिस्टम में 12 बजेगी, मेरी रिपोर्ट ऑटोमेटिकली चली जाएगी, समझ गए। तो कैसे होगा, जब आप मेल कंपोज करोगे तो इसी में आपको ऑप्शन आता है, मेल ऑप्शन। इसमें एक होता है डिले डिलीवरी, ऑप्शन डिले डिलीवरी दिख गया। ओबेसिटी 2000 मैं 13 यूज करता था आउटलुक, जैसे इसका थोड़ा सा चेंज हो गया है 365 पर। यहाँ दिख रहा है डिले डिलीवरी, इसमें हम क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ अपना टाइम सेव कर लीजिए कि आपकी मैसेज किस डेट को कितना बजे जानी है, ठीक है। हेलो, हेलो। हाँ जी सर, डू नॉट डिलीवरी बिफोर डेट एंड टाइम दे दीजिए, एंड आप उसको जो मैं 5 PM का करके क्लोज कर दिया और मैं सेंड करूंगा, तो मेरा मेल जो है आप देखेंगे कि मेरा ये आउटबॉक्स में ही पड़ा है ना। ये कब, ये आउटबॉक्स से कब निकलेगा, जब मेरे सिस्टम में 5 बजे। ओके, तो मेल कंपोज करते समय डिले डिलीवरी का भी ऑप्शंस आउटलुक में आप यूज कर सकते अगर मैं सर जल्दी पहुंच गया, मुझे इसको डिले डिलीवरी को हटाना है, 4 बजे भेजना है, तो मुझे ऑप्शन हटाना पड़ेगा ना वापस जाकर। हैं। हाँ, वहां पर हटाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ का खुल गया ना, अब इसको यहाँ पे डिले, यहाँ पे ऑप्शन पे जाएं और यहाँ पे डिले डिलीवरी पे आए और अपना टाइम चेंज कर दीजिए, या फिर इसको अनचेक कर दीजिए। मैंने इसको अनचेक कर दिया, सिस्टम ऑन होना चाहिए ना इसके सेंड लिए। कर दूंगा। अब सेंड कर दे, अभी निकल जाएगा, निकल गया, देखिए जा रहा है ना, निकल गया। हाँ, ये डिले डिलीवरी के लिए सिस्टम ऑन होना चाहिए ना उस टाइम, इसके लिए सिस्टम और आउटलुक ऑन होना चाहिए सर। आउटलुक भी ऑन होना चाहिए। और इस बीच सर मैंने 5 बजे से पहले नॉर्मल दूसरी मेल ही भेजी, वो जाती रहेंगी नॉर्मल टाइम, जी हाँ। उसे खाली इसी में इसी मेल के लगाना है। पहले आपने उससे पहले जो और भी मेल करनी है वो कीजिए, ये आउटलुक में फंसा रहेगा जब तक 5 नहीं बजेगा तब तक। मतलब इसी इसी ये पर्टिकुलर इसी इसी कंपोज मेल के लिए लगाना है ये ऑप्शन, ठीक हाँ, एक एक ही मेल पे लगता है, ठीक है। ठीक है। इसका यूज हम लोग करते थे कभी कभी, क्या होता ना कि हमें लोगों को ऑफिस से जल्दी निकलना होता, तो हम लोग सारे रिपोर्ट्स बना के डिले डिलीवरी में रख के और पीसी को ऑन कर देते थे, समझ गया। रात भर ऑन रहेगी क्या। तो एक शेड्यूल टास्क होता था हम लोगों का, तो शेड्यूल टास्क में हम लोग ये ऑप्शन देते थे कि इतने बजे बाद मेरा पीसी ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाए। टास्क शेड्यूलर में हम लोग ये सेट कर देते थे, इतने टाइम बाद मेरा पीसी ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाए या कुछ हो जाए, इस पे हम लोग ट्रिगर कर देते थे, तो अपना पीसी ऑफ हो जाता और बॉस को पता भी नहीं चलता कि हम ऑफिस से कब निकले, क्योंकि बॉस को तो रिपोर्ट जा रही है। बॉस, मैं अगर 4 बजे निकल गया, उनको 5 बजे जा रही है, 6 बजे भी जा रही है, 7 बजे भी जा रही है, उनको पता है कि 7 बजे बंदा ऑफिस में है, तो मेल किया है, हम 9 से निकल जाते थे। लेकिन अगर बॉस आपके बॉस अगर हमारे जैसे हुए वो पकड़ लेंगे,
ठीक है। लेकिन इसका शेड्यूल टास्क तो यही नहीं, और भी चीजें होती है, मीटिंग इन्विटेशन होता है, आप चाहते हैं कि एक मीटिंग इन्विटेशन इसी चीज के लिए नहीं है, ये तो मैंने आपको ऐसे ही थोड़ा सा उत्तेजित होने के लिए बोल दिया था, बट क्या है ना कि इसका यूज हम लोग करते थे मीटिंग इन्विटेशन से। मान लीजिए कि 12 बजे हमें किसी को मीटिंग इन्वाइट करना है, या फिर किसी को बर्थडे गिफ्ट भेजना है, मतलब बर्थडे का जो होता है ग्रीटिंग भेजना है, या ऐसे बहुत सारे ऐसे हॉलीडेज होते हैं उनकी ग्रीटिंग भेजना, हैप्पी होली वगैरह, ऐसी मीटिंग ऑर्गेनाइजेशन, या फिर किसी को हमें रिमाइंडर भेजना होता है कि 12 बजे मीटिंग है, तो 11 बजे ऑटोमेटिक रिमाइंडर चला जाए। तो अब 11 बजे मुझे रिमाइंडर मेल भेजना है, इसके लिए हमें रिमाइंडर लगाना पड़ेगा ना सर। क्या करते हैं, रिमाइंडर ना लगा के हम लोग डिले डिलीवरी में रिमाइंडर सेट कर देते थे, ताकि उसको 11 बजे मेल चल जाती है कि हाँ आज जो है 12 बजे हमारी सेशन है। तो हम 11 बजे मेल करने से चूक ना जाए, मान लीजिए 11 बजे रिमाइंडर मेल करना था आपको, आप भी बॉस के साथ मीटिंग में हो, फिर तो छूट गया ना सर। तो आपने अगर डिली डिलीवरी सेट कर रखा है, तो आप ऑफिस में आप बॉस के साथ मीटिंग में हो, फिर भी आपकी पीसी जो है रिमाइंडर मेल अपने टाइम पे भेज देगी। दूसरी चीज, किसी का बर्थडे का ग्रीटिंग भी आप भूल गए हो कि बर्थडे किस डेट का है, तो एटलीस्ट वो मेल पे बर्थडे तो चला जाएगा ना, बर्थडे ग्रीटिंग जो होता है, हैप्पी बर्थडे टाइप के जो मैसेजेस होते हैं, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी होली, हैप्पी दीपावली, या जो भी कंपनी के फंक्शन वगैरह होते हैं, तो उसकी तो ग्रीटिंग आपको टाइम पे चली जाएगी, आपको भेजने की जरूरत नहीं है, बस साल में एक बार आप पूरा क्रिएट करके छोड़ दो और अगले ऑटोमेटिक डेट टाइम पे चली जाएगी। सेम डेट नहीं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट डेट भी डाल सकते हैं। Right, sir. Okay?